सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जैसे आप लोग ने फर्स्ट पार्ट में देखा होगा कि हम लोग आए थे गुवाहाटी आसाम कामाख्या मंदिर दर्शन करने के लिए। फर्स्ट पार्ट में मैं कालिम्पोंग टू सिलीगुड़ी आया था, और उसके बाद सेकंड पार्ट में मंदिर का जो था दर्शन किया और आप लोग को भी दिखाया। और ये लास्ट होगा और थर्ड होगा, क्योंकि आज शाम को ट्रेन है हम लोग का 11:30 का। और अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे गुवाहाटी टाउन घूम रहे हैं, और यहाँ पे आप लोग जो पीछे जरा देख रहे हैं, यहाँ पे शायद एक पार्क है, हम लोग को दिखा दूर से। तो ये पार्क के अंदर जाके थोड़ा सा बैठेंगे, क्योंकि पूरा थक गए। सो गाइस, अभी टिकट ले लिया है मैंने, और पार्क का कुछ ऐसा है सीन अंदर। अभी टिकट लिया तो अभी अंदर जाएंगे। तो अभी यहाँ पे स्वीट कॉर्न खा रहा है हमारे मिशाल भाई, दो जगह बन रहा है, और ये अंदर ले जाना अलाउड नहीं है, इसीलिए हम लोग बाहर ही खाएंगे और उसके बाद लेके जाएंगे अंदर। तो हमारे यहाँ पे भैया जी बना रहे हैं स्वीट कॉर्न, बढ़िया वाला बनाइएगा भैया, गर्मा गर्म स्वीट कॉर्न। दुई जगह हो, एक जगह आम खा दूँ। सो गाइस, अभी टिकट ले लिया है, और ये रहा कुछ एंट्रेंस ही ऐसा है, काफ़ी शानदार है, रिफ्रेशिंग सा मतलब ये जगह है, आई नो। तो ये देखो गाइस, कितना अच्छा सा हरा भरा पार्क है, मेरे को ऐसा ही पार्क में ढूंढ रहा था। है भरा भी है, भर जाएगा आगे तो हम लोग ऐसा ही ढूंढ रहे थे, कोई खाना खाने के बाद थोड़ा आलसी लगता है और बैठने का मन करता है, तो ये सब जगह सब बढ़िया रहता है। लकीली जैसा सोचा उसी वक्त मिल भी गया। हाँ, ठीक सामने, एकदम आंखों के सामने था, तो मेरा नज़र पड़ गया। और क्योंकि मैं नज़र तो कमज़ोर है। हाँ, भाई साहब को चश्मा के बिना कुछ दिखता नहीं है, सिवाय लड़कियों के। गाँव डेलो होना नहीं मिला ना माला त्यो डेलोमा हावा हुन्छ, तर यो पनि रिल्याक्सको लागि हो, टाइम स्पेन्ड दामी हुनुहुन्छ, मजा आउँछ। ये देखो गाइस, बोटिंग करना हो किसी को तो आके कर सकता है, शायद एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग को बैठना है। ये देखो जगह, वैसे अभी जाएंगे घास में बैठेंगे, हरा भरा घास में। और गाइस यहाँ पे ये देखो रील्स हो रहा है, रील्स। सो गाइस, काफ़ी देर तक यहाँ पे बैठ लिया, और यहाँ पे देखो धूप निकल रहा है तो गर्मी लग रहा है थोड़ा। सो अभी मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा एक पार्क का चक्कर लगा के देखूँ, आप लोगों को भी दिखाऊँ। मैं पहले क्या किया, एंट्रेंस से आया, और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र जो था उसका साइड में बैठा था, और सोच रहा हूँ अभी एक राउंड लगा के देखूँ कैसा लगता है। विशाल भाई इधर ही बैठेंगे, लेकिन मैं घूम के आता हूँ। बस ये तो मेरे में बैग है, हरा ही रह गए फिर। तो अभी चलते हैं, अभी फाइनली रात के बज रहे 8:30, और अभी कुछ देर बाद ट्रेन भी आ जाएगा। सो अभी हम लोग सोचे कि खाना वाना खा लेते हैं, और उसके बाद हम लोग निकलेंगे जंक्शन में फिर से। हम काफ़ी टाइम से जंक्शन में थे, स्टेशन में, रेलवे स्टेशन में, और उसके बाद अभी आए। सो अभी यहाँ पे एक रेस्टोरेंट पे रुके हुए हैं, और हम लोग ने ऑर्डर किया है बटर नान, चिकन क्यों कोसा, चिकन भरता, सॉरी चिकन भरता, बटर नान, और एक बिरयानी ऑर्डर किया है। सो देखते हैं खाते हैं और कैसा टेस्ट है बताते हैं। अभी फिलहाल तो आया नहीं है, अभी रिसेंटली ऑर्डर दिया है, और ऑर्डर आने के बाद आप लोग दिखाते हैं 180 और टेस्ट कैसा है आप लोगों को। सो गाइस, अभी हम लोग ने नान तो ख़त्म कर दिया है, और चिकन भरता थोड़ा बच गया है। तो अभी हम लोग ने मंगवाया है चिकन बिरयानी, तो अभी दोनों भाई मिलकर खाएंगे चिकन बिरयानी, और ये जो भरता बच गया है चिकन भरता, चिकन बिरयानी में डाल के खाएंगे। सो देखते हैं टेस्ट कैसा रहता है, हालांकि तो पेट भर गया है, क्योंकि बीच में हम लोग ने इधर उधर थोड़ा थोड़ा फास्ट फूड खाया था, मोमो हो गया, आपका रोल हो गया, स्वीट कॉर्न, ये सब खाया था हम लोग ने,
ज़्यादा देर भी नहीं हुआ था, इसे 2-3 घंटा पहले खाया होगा। उसके बाद हम लोग रेलवे स्टेशन पर जाके बैठे थे, सो अभी खा रहे हैं और अभी बिरयानी खाएंगे। और ये दोनों का टेस्ट काफ़ी सही था, जैसा सोचा था उससे अच्छा ही था, मज़ा आया और रेट भी अच्छा ही है। अगर आप लोग भी इधर आते हो तो ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे ये सुमसन के बाहर ऐसा सफ़ेद कलर का फ्लाईओवर है, उसका ठीक अपोजिट में, तो आके आप लोग खाना इंजॉय कर सकते। सो गाइस, अभी हम लोग का चिकन बिरयानी आ चुका है, देखो कुछ ऐसा है। और हम लोग ने मंगाया हाफ प्लेट और दो भाई सेपरेट करके खाएंगे, क्योंकि नान भी लिया था ना इस वजह से। सो चिकन बिरयानी कुछ ऐसा है, ये देखो पीस इतने बड़े बड़े हैं और दो पीसे नहीं, छोटा छोटा भी पीस है और एक कोसा है, दोनों मिला के खाएंगे। सो अभी देखते हैं, इसको भी खाते हैं और इसका भी रिव्यू देखिए आप लोग। बिरयानी ट्राई करते हैं, सो ये रहा बिरयानी का फर्स्ट। सो गाइस, अभी ट्रेन इतना लेट है कि क्या बताएं। ट्रेन का इंतज़ार करते करते ये देखो टाइम 12:20 हो गया है, मेरा 5 मिनट थोड़ा लेट है। सो 12:20 हो गया है, अभी तक ट्रेन नहीं आया है। 11:20 का ट्रेन था और 12:20 एक घंटा डिले हो गया, अभी तक ट्रेन का कुछ आता पता नहीं है। यहाँ पे ये देखो बारिश शुरू हो चुका है, यहाँ पे आप लोग जितना भी भीड़ देख रहे हो इस साइड पे और इस साइड पे यहाँ पे, और हम लोग उतना भी सभी वही ट्रेन का इंतज़ार में है, अभी तक ट्रेन आया ही नहीं है। आने के टाइम में भी जो ट्रेन था वो लेट था, उसकी वजह से मेन एंट्री के लिए कूपन नहीं मिला और अभी फिर से लेट है। अभी घर जाना पड़ेगा, अब यहाँ से जाऊँगा सिलीगुड़ी से फिर मेरे को घर जाना है, तो वो भी लेट हो जाएगा शायद आज बोलूँ, क्योंकि 12 तो पार हो गया है, तो आज हमको रुकना पड़ेगा शायद सिलीगुड़ी में, उसके बाद परसों या कल निकलेंगे। तो गाइस, जैसे कि आप लोग ने देखा कल रात को बहुत लेट करवाया ट्रेन ने, 1 बजे के करीब ट्रेन आया और स्टेशन से हम लोग चले और इतना थक गया था, नींद इतना लग गया था तो मैं रिकॉर्ड कुछ कर नहीं पाया और अभी मैं हूँ ट्रेन। सो गाइस, फिलहाल अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं NGP, ये देखो, और अभी हम लोग 10 सालबाड़ी क्रॉस हुए हैं। अभी भी टाइम है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 छोटा सा जंक्शन ये सब होगा, वो उसके बाद प्ले स्टेशन क्रॉस होने के बाद आएगा न्यू जलपाईगुड़ी, लग जाएगा टाइम। गाइस यहाँ देखिए, यहाँ पे दिखा रहा है 11:37 में पहुँच जाएगा, और ट्रेन कितना लेट है हम लोग का यहाँ पे दिखाएगा, 5 घंटा पकड़ लीजिए ना, 6 घंटा लेट है हम लोग का ट्रेन, 6 घंटा लेट है गाइस, मजाक का बात है। सो गाइस, अभी फिर से ट्रेन रोका गया है, न्यू दुमानी ऐसा कुछ नाम है स्टेशन का। यहाँ पे कम से कम 1 घंटे से ऊपर हो चुका है, पहले आप लोग को जब बताया था 6 घंटा लेट था ट्रेन, तो अभी 7.5 घंटा लेट है, तो बहुत काफ़ी टाइम से रुका हुआ है ये। अभी कुछ ऐसा है, बारिश भी हो रहा है यहाँ पर, कितना लंबा ट्रेन है हम लोग का, इस साइड भी उतना ही लंबा इस साइड। सो मेन बात क्या है कि जो NGP में राजेंद्रनगर एक्सप्रेस का एक्सीडेंट जो हो गया था, शायद उसी का वजह से, क्योंकि यहाँ से NGP ज़्यादा दूर नहीं, ऑलमोस्ट 20-25 मिनट्स होगा यहाँ से, तो इसीलिए अभी शायद मेन लाइन में ट्रेन आ रहा होगा, इसीलिए यहाँ पे हम लोग को वेटिंग में रखा है। तो दोस्तों, अभी का कुछ सीन ऐसा है कि क्या हुआ ना, जहाँ पे जो रुका हुआ था अभी तक वहीं पे रुका हुआ है। ये देखो टाइम 1:25 हो रहा है और अभी तक ट्रेन नहीं मिला है, 1 इंच तक नहीं मिला आगे ना, कभी नहीं मिला। गाइस, अभी तक ट्रेन नहीं खुला है, तो मैं सामने जाकर देख रहा हूँ, अगर कोई रोड होगा तो वहीं से गाड़ी पकड़ के गाड़ी में चले जाएंगे। यहाँ पे देखो 2 घंटा हो गए, ना ही कोई ट्रेन आ रहा है और ना ही कोई ट्रेन जा रहा है, दिमाग का दही हो गया फिर से। ये देखो सभी कोई सर
सब लोग उतर रहे हैं ट्रेन से। यहाँ पे एक स्टेशन तो है, अब ये स्टेशन के पीछे देखते हैं कोई गाड़ी वाड़ी तो दिख रहा है। हाँ ये रहा यहाँ पे, अब यहाँ जाके नीचे, ये भी दो ही है, अब जो दो भी ख़त्म हो गए देखते हैं क्या होता है। विशाल को फ़ोन करूँगा और वो क्या बोलते हैं। तो गाइस अभी यहाँ पीछे हाँ एक टोटो था तो उससे पूछा, वो तो नहीं जा रहा है फिलहाल। सो अभी क्या है ना सीन कि वहाँ पे इधर एक हाईवे है, वहाँ पे जाके एक ऑटो लेना है और ऑटो को लेके आना है इधर, और वही ऑटो में जाएंगे हम लोग मिलकर। सो दो तीन ग्रुप है तो सभी लोग मिलके उसमें जाएंगे और देखते हैं टोटो में कितना भाड़ा लगता है नहीं लगता है। टोटो से बात करेंगे यहाँ पे। अब ये लोग रुक गए ना, ये तो उधर से उधर जा रहा है वो तो। यहाँ पे वो ट्रेन आ रहा है, ट्रेन आ रहा है, भागना पड़ेगा। स्टार्ट हो गया, लास्ट मोमेंट में जाके अभी भागना पड़ रहा है। सभी लोग सामान लेके भाग रहे, आओ देशो आओ देशो। हाँ आए आए, तो गाइस अभी 10-15 मिनट में ट्रेन जाएगा तो सब लोग देखो जो जो टोटो लेने गए थे सभी लोग वापस ट्रेन में जा रहे हैं। दबा दो, हम भी जा रहे हैं, अब जाऊंगा आराम से बैठूंगा और उसके बाद फिर से ट्रेन में जाएंगे। तो वहाँ पे विशाल भाई रेडी था, हाँ चलते हैं अब, 10-15 मिनट में खुलेगा। आशा करता हूँ कि ट्रेन खुले और रुके ना बस, और कुछ नहीं करें। भैया क्या बोलना है? कुछ नहीं, अभी जाने वाला है बहुत जल्दी। ये सुपर फास्ट है ना, सुपर फास्ट है, स्पेशल है तो लिखा है ना, स्पेशल नहीं है ये, बहुत स्पेशल है ये, उनका भी मजबूरी है। हाँ अरे मैं नीचे ऑटो लेने गया था, वहाँ आधा रास्ता पहुँच गया था, वो नहीं जाएगा साथ में वो। अरे ट्रेन का अनाउंसमेंट आ गया ना तो फिर टोटो छोड़ते फिर भाग के आ गया इधर। ठीक है ठीक है, देखते हैं कब पहुंचाता है ना भैया। अभी नेक्स्ट स्टेशन में मैं उतर जाऊंगा। हाँ नहीं थोड़ा डिस्टेंस कवर हो जाएगा ना। तो गाइस फाइनली 2 बजे स्टार्ट हुआ ट्रेन, ये देखो हल्का हल्का चल रहा है अभी, बहुत खुश लग रहा है गाइस। थक गया ऊपर से, मैं कहाँ पहुँच गया था, फिर वापस पैदल आना पड़ा, दौड़ के आना पड़ा, और अभी ये स्टार्ट हो गया है जर्नी। चलो देखते हैं अब कितना बजे पहुँचता है। GoPro का बैटरी भी ख़त्म ही होने वाला है, बहुत कम बचा है, देखते हैं। अगर हाँ एक्सीडेंट वाला एरिया होगा तो कवर करने को मौका मिलेगा तो मैं दिखाऊंगा, अगर नहीं होगा तो मैं शॉर्ट्स में डालूंगा, दोस्त से वीडियो मांगी क्योंकि उसने किया होगा, या मैं फ़ोन से कर लूँगा इसी वजह से। देखें अभी बैटरी बचाते हैं और उसके बाद आप लोग को दिखाते हैं, ठीक है। भीड़ चेक करो लाइन का, यही 10 घंटा ढिलो घंटा दियो भन्दा ढिलो चाहिँ के होस् त। हामी 9-10 बजे पुग्ने होइन हाम्रो ट्रेन, बिहान 5 बजे पुग्नेवाला ट्रेन, सुबह 5 बजे जो ट्रेन हम लोग जिस ट्रेन पे हम लोग चढ़े थे वो ट्रेन हम लोग सुबह 5 बजे पहुँचाने के बदले शाम को 5 बजे पहुँचा दिया। अभी टाइम हो रहा है 5:10 हो रहा है तो सोचो 12 घंटा लेट, क्या बोले। यहाँ पे सब लोग वेटिंग में और अभी बाहर निकल रहे हैं, फिर आगे टोटो पकड़ेंगे फिर उसके बाद निकल जाएंगे सिलीगुड़ी। गाइस फाइनली अभी हम लोग जंक्शन के बाहर आ चुके हैं, देखो जलपाईगुड़ी जंक्शन, और यहाँ पे ये देखो जितना भी भीड़ है ना वो सभी ट्रेन के लेट की वजह से भीड़ है, क्योंकि जितना हम लोग का ये नहीं बाकी सब जितना भी रूट का रेल है
वो सभी अभी बहुत लेट हो रहा है। हम लोग का 10 घंटा से ज़्यादा हो गया, 12 घंटा सॉरी 12 घंटे से ज़्यादा का डिले हो गया, और बाकी लोग का भी है। और ये देखो इंजन पड़ा हुआ है। उस टाइम मैंने आते वक्त नहीं दिखाया क्योंकि उस टाइम पे रात को आया था मैं, सो ध्यान नहीं पाया, तो अभी दिखा रहा हूँ। तो गाइस आप लोग को ये मेरा जो टूर था कामाख्या मंदिर का जो मैंने 3 पार्ट में डाला, आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, अगर कुछ हेल्पफुल हुआ तो मेरे लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि मेरा वीडियो को किसी को हेल्प हो रहा है। सो अभी देखते हैं, अब जाते हैं घर, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक ले कनेक्टेड विथ एक्सप्लोरिंग ड्राइवर गाइस।